सभी को वेलकम टू प्रीति तंगर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे और मुझ पे भी बनी रहे। मेरी तबीयत ख़राब है, जल्दी से ठीक हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रे चल रहे हैं। हैप्पी नवरात्रि आप सबको, जय माता दी। मैं भी अभी पूजा कर लूँ, बंगारी लेके आती हूँ नीचे से। हो जाओ स्कूल, अब तो टाइम भी 7:30 बजे का हो गया। और क्या नहाना नहीं है? नहीं। अच्छा गंदे बच्चे? धोना। अच्छा गंदे नहीं। और बिस्किट लाने तो अभी लिया, फिर नहीं जाने दूंगी तैयार होने के बाद। ठीक है अभी लिया। मुझे भी चाय पी ली है। जा तो लिया, फिर स्लीपर क्यों उतार रहे हैं? पहन ले चप्पल पहन ले। कल से ही बिल्कुल ठीक थी मैं, सो के उठी दिन में, जुखाम, और जुखाम से आंखें इतनी भारी भारी लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इतनी तबीयत खराब है। और ये चीज़ दुख रही है, ये तो मेरी जो दुखती है जब मेरे बुखार होता है, या तो बुखार होगा। आके ले आना तुम, मैं तो ऐसी पी लूंगी। आपने तो पी ली रस के साथ, दूध फिनिश किया नहीं तूने? नहीं करा। मैंने तो देखा ही नहीं तेरा दूध। वो ब्लैक है। मतलब इसने सिर्फ रस रस खा लिया और दूध सारा छोड़ दिया ना। क्या हुआ? चलो अब जाओ। हैंकी है ना। जाओ बाय बाय। ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा, बोतल कहीं गिर जाएगी। देखा आशु दीदी नहीं गई अभी। अच्छा पढ़ाई के नाम पे तो नींद आती ही है ना। जब भी मैं सोया नहीं। वेरी गुड, अब बात कम और खाना खाओ। बिना मिर्ची के बना दिया करो तेली अलूनी सब्जी। आपने तो लगाया नहीं जो होट होट भूल गई मैं। अब लगा तो पहले खाना तो खा लो, तभी तो लगाऊंगी। भूल जाऊंगी नहीं, फिर याद दिला देना आप। मैंने बोला था याद दिलाने की। हाँ लिप बाम। उसे क्या बोलते हैं? लिप बाम। लिप बाम। तो जैसा कि आपको पता है, नवरात्रे हैं, 9 रूप होते हैं माता रानी के। तो मतलब आज मैं आपको माता रानी के सारे रूप बताऊंगी, तो आप बताना इस अकॉर्डिंग आज कौन सा नवरात्र है। शैलपुत्री, ब्रह्माचारिणी, चंद्रघटा, कुष्माड़ा, स्कंद माता, त्यायनी, काल रात्रि, गौरी, सिद्धिदात्री।
तो आज आप मुझे बताओ कि आज कौन सा नवरात्र है। ये होते हैं माँ के नौ रूप, जिनमें माँ इन नौ रूपों में नौ दिन के लिए हमारे घर में आती है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे और हंसी खुशी हर बार ऐसे ही नवरात्र आए सबके लिए। मेरे लिए माता रानी जो भी गलती थी या ग्रह थी सब टल गई आपकी कृपा से, और हर बार आओ हंसी खुशी आना। मेरे लिए तो अब की बार फर्स्ट में ही बहुत बड़ा धमाका हो गया था, जैसा कि आप सबने देखा ही था ब्लॉग में। तो लास्ट नवरात्र वाले दिन कन्या माताओं को पूजा जाएगा माता रानी के रूप में। तो जैसे आप माता रानी के रूप में कन्या माताओं को इन दिनों में पूजते हो, अच्छी बात है कि आप ऐसे ही पूरे साल माता रानी के रूप में ही कन्या को पूजो, लड़की को ऐसे ही मानो, तो माता रानी ज़रूर आपके घर में अपनी कृपा दृष्टि दिखाएंगी। जैसे कि देखो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता है, और क्यों हुआ, चलो ये भी रीज़न है कि शायद कोई भूल चूक हुई है, लेकिन बचाने वाली भी वही है और सज़ा देने वाली भी वही है, लेकिन मुझे बचा लिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो माता रानी की जय। जय माता दी, माई मेरे सिक्किया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा। शेरावाली काबुल साचे दरबार की जय। भैरव बाबा की जय। माता रानी के जयकारे के बाद भी भैरव बाबा का जयकारा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते तभी दर्शन पूरे होते हैं। तो उसी प्रकार नवरात्रों में या वैसे भी कभी जयकारा लगाते तो भैरव बाबा का जयकारा उनके साथ जरूर बोला जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ कौन सा व्रत है, जिस दिन मेरा ये ब्लॉग पोस्ट होगा उसी दिन बताना कि आज कौन सा व्रत है। मैंने नौ रूप आपको माँ के बता दिए हैं, अब आप बताओगे कि हाँ कौन सा व्रत है उस दिन। देखते हैं कौन क्या बताता है, कौन सही बताता है, कौन नहीं बताता है।